हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग व्यक्ति की कुंडली पे चर्चा करेंगे, जो अपने आप में अनूठे हैं, जिनका व्यक्तित्व तो अनूठा है, जो बिना किसी लाग लपेट के अस्पष्ट बात कहते हैं। राजनीति में इतनी अस्पष्टवादिता आपको नहीं दिखाई दी होगी कभी। जो कुछ कहना है मुंह पे कहना है, उनके बात और काम दोनों एक जैसे होते हैं। उनके लिए लोग स्लोगन बनाते हैं कि ना तो दूध दूंगा ना तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लूंगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली पे। ज्योतिष के नज़र से योगी जी के कुंडली के ग्रहों की बात करेंगे और बात करेंगे आने वाले समय में 2022 में यूपी का जो चुनाव है उसमें योगी जी क्या विजय श्री हासिल करेंगे और भविष्य में योगी जी क्या यूपी से निकलकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, क्या कोई और पद उनका इंतजार कर रहा है। तो 5 जून 1972, समय जो है, देखिए समय की सीमा ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार से है ये और घर में कई सदस्य हैं, तो इसलिए इनका समय एग्जैक्ट मिल जाए ये संभव नहीं है। तो समय जो है 11 से 12 तक जो मिलता है उसमें आपको ये निकालना पड़ेगा कि दरअसल इनका समय क्या है। यदि आप ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष में आपको रुचि है, आप ज्योतिषी हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है समय का आकलन कर लेना। उनकी कुंडली रखिए, उनके साथ घटित हुई घटनाओं को देखिए और सही समय पर पहुंच जाइए। तो मैंने एक समय निकाला है अभी आपके सामने ही, उसके अनुसार इनके जीवन को देखेंगे ज्योतिष के नज़र से। पंचूर नामक गाँव में यमकेश्वर, तहसील पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, अभी उत्तरांचल में है। उत्तर प्रदेश भी अपने आप में विशेष है, हर प्रश्न का उत्तर देता है। यहाँ पे भगवान राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, तो कंस जैसे लोग भी यहीं आते हैं। यादारा धाम अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को पैदा करती है। तो सबसे बड़े डान दाऊद को भी यही पैदा करती है। अपने आप में अनोखी है। योगी आदित्यनाथ जी 5 जून 1972 को सिंह लगन में जन्म हुआ इनका। लगभग 19 अंश के आसपास लग्न की डिग्री है, बढ़िया। अगर लग्न मजबूत हो तो व्यक्ति जो फैसले लेता है या व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में मजबूत होता है। लग्न की डिग्री बढ़िया है, लग्नेश की डिग्री भी अगर देखें तो 22 अंश के आसपास। तो लग्न लग्नेश दोनों मजबूत, जिसके लग्न मजबूत लग्नेश मजबूत उसको मान सम्मान निश्चित रूप से मिलता है। सिंह लगन है, सिंह लगन अपने आप में ऐसी लगन है जो नेतृत्व करना जानती है, जो पैदा ही होती है शासन करने के लिए। अब लग्नेश अपने से दशम में है, दशम भाव में सूर्य को बल प्राप्त हो जाता है, इसलिए नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात है। अब इनके थोड़े से अतीत में हम जाएंगे, तो अतीत में जब हम जाते हैं तो संघर्ष का जो समय है इनके कुंडली में वो शनि की महादशा में इनके जीवन में संघर्ष आरंभ हुआ। 1979 से शनि की महादशा चली और 98 में ही खत्म हो गई। यहाँ तक शनि चूंकि सप्तमेश है और खष्टेश है, इसलिए संघर्ष करा है। एक बार मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ। सिंह लगन है, लग्नेश दशम भाव में है, पंचम भाव में स्वग्रही गुरु हैं, पंचमे स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, बहुत अच्छा। खष्टम भाव में राहु है, शत्रुघ्नता योग, शत्रुओं को मार देंगे। सप्तम भाव में चंद्र है, व्यस्त चंद्र, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं लेने देंगे। बुध सूर्य दशम भाव में बुधादित्य योग बना के बैठे हुए हैं। साथ में शनि है, संघर्ष के स्वामी, सेवा के स्वामी। एकादश भाव में शुक्र मंगल और द्वादश भाव में मोक्ष का स्वामी केतु मोक्ष की जगह पे, ये इनकी ग्रही स्थिति है। एक मजेदार बात और देखें तो इनका जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, जो गुरु का नक्षत्र है, माने गुरु की गुरुता, गुरु का स्नेह, ये इनके ऊपर पूरे जीवन रहेगी।
और इसी गुरु की गुरुता ने, इसी नक्षत्र नक्षत्र का जो स्वामी कौन है, गुरु है, तो गुरु की गुरुता ने आज यहाँ पे इनको पहुंचाया, गुरु की कृपा मिली। गुरु स्वतः जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र का प्रभाव, लोगों का प्यार इनको मिलेगा। चंद्र गुरु के नक्षत्र में है, मंगल भी गुरु के नक्षत्र में है, मंगल भी गुरु के नक्षत्र में है। तो मंगल कौन है, मंगल इस कुंडली में पंचमेश है, मंगल चतुर्थेश है और भाग्येश है, बैठे कहाँ है, एकादश भाव में। तो मंगल गुरु के अधीन है, तो जो इनको काम भी होंगे ना, बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे, बेवकूफी वाले नहीं होंगे। बुध स्वतः जो आय भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है, वाणी का स्वामी है और बुधादित्य योग बना के बैठा हुआ है, वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसीलिए इनके निर्णय थोड़े से भावुकतापूर्ण होते हैं, इनकी जो स्पीच होगी उसमें भावुकता नजर आएगी, क्योंकि वाणी का स्वामी है, उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। शुक्र राहु के नक्षत्र में है, दशमेश राहु के नक्षत्र में है, इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी जोड़ तोड़ करने की तो जोड़ तोड़ कर लेंगे, कहाँ पे किसको रोक लेना है, कहाँ पे विषाद पे कौन सी चाल चलनी है। निरहुआ को अगर अखिलेश के सामने खड़ा कर देंगे तो अखिलेश कहीं और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इसकी जानकारी इनको है। दशमेश शुक्र है और राहु के अधीन है, तो गणित लगाना भी इनको आता है। शनि जो है चंद्रमा के अधीन है, माने भावुकतापूर्ण जो स्पीच होगी उससे सारे लोग इनसे अटैच हो जाएंगे, जो शत्रु हैं वो भी अटैच हो जाएंगे, संपर्क में रहेंगे, सहयोग करेंगे। राहु सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए शत्रुओं को खत्म कर देगा बिना लाग लपेट के, जिससे शत्रुता निभाएंगे प्रॉपर तरीके से निभाएंगे, जिसको शत्रु मान लेंगे मान लेंगे। और वही स्थिति देखिए, जो अपने आप को डार बनते थे, सरकार को जेब में लेके चलते थे, योगी का नाम सुनते ही व्हील चिलर पकड़ लेते हैं, यूपी आना नहीं चाहते, यूपी का परित्याग कर दिए, क्योंकि सूर्य है डायरेक्ट दंड देता है बिना लाग लपेट के। केतु पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, मोक्ष के कारक हैं, कर्म करा के मोक्ष की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। ये ग्रह स्थिति है और नक्षत्रों की, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का मतलब उसके ऊपर प्रभाव रहेगा उस ग्रह का। तो यहाँ पे शुक्र आपको देखने के लिए लगेगा शुक्र है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव किसका रहेगा, राहु का। जब इन चीजों को आप पकड़ लेंगे तो कुंडली के विश्लेषण करने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, बहुत सरलता रहेगी और सटीकता आ जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज की कुंडली पे। योगी आदित्यनाथ महाराज जी 1994 में सन्यासी बने, अजय सिंह बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट इनके पिताजी का नाम है, 1994 में इनका नामकरण हुआ योगी आदित्यनाथ। अब 1994 में ये सन्यासी कैसे बने, यहीं से चर्चा आरंभ करते हैं। 1994 में आप देखेंगे तो 93 में राहु का अंतर आरंभ हुआ, शनि में राहु, शनि क्या है कुंडली में, खष्टेश से सप्तमेश है, संघर्ष, घर बार राहु छुड़वा देगा, राहु ने क्या किया, घर छुड़वा दिया, सन्यासी बना दिया। अब क्योंकि गुरु की गुरुता यहाँ पे रही, गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में है, तो बोले कि नहीं तुम्हें संसार में रह के ही सेवा करनी है, जंगल में नहीं रहना है, शुक्र के नक्षत्र में है ना, तो शुक्र संबंधित चीजों लेके ही सेवा करनी है, लोगों के बीच में रह के लोगों के सुख के लिए काम करना है। इसलिए अवैधनाथ महाराज के संपर्क में आए, 1994 सन्यासी बन गए, राहु इनको सन्यासी बना ही देता, संसार की समस्याएं इतनी इनके सामने क्लिष्ट हो जाती कि इनको घर बार छोड़ना ही पड़ता, तो गुरु की गुरुता ने वहां पे इनको धीरे से मोड़ दिया, आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद आप देखें 1998 में पहली बार सांसद बने, ये क्यों बने सांसद, ज्योतिष के नजर से 1995 के मध्य से लेके 98 तक गुरु का अंतर जो है, शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा था। गुरु कुंडली में कौन है, गुरु कुंडली में पंचमेश है, स्वग्रही है, इसलिए गुरु के शरण में जब आए तो गुरु ने अपना पूरा आशीर्वाद उठा के सौंप दिया। गुरु मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए सब कुछ सौंपेगा, मूल सहित सौंपेगा, ऐसा नहीं है कि पत्ते और डाल सौंप दिया, पूरी जड़ दे दिया,
गोरखनाथ पूरा धाम दे दिया, वहां का महंत बना दिया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की सीट से ये संसद बन गए, सांसद बन गए और संसद भवन की ओर प्रस्थान किया। फिर चुनाव हुआ 1999 में, पुनः ये चुने गए। अब यहाँ से जो 1999 से 98 से आप कह लें, जून 98 से 2015 तक बुध की महादशा चल रही है। कुंडली में बुध कौन है? बुध कुंडली में द्वितीयेश है और लाभेश है, और हैं कैसे? बुधादित्य योग में है, साथ में चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में है। लोगों से स्नेह पाएंगे, लोगों का प्रेम पाएंगे, लोगों को अपने में मिला के चलेंगे। तो 17 साल तक वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा इनके जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो भविष्य में जो गलतियां हुई हैं भूतकाल में उनको वर्तमान में सुधारेंगे। चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखना हो, या मियां बाजार का नाम हिंदी बाजार रखना हो, माया नगर रखना हो, या खुलेआम एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि ताजमहल ताजमहल नहीं है, तेजोमय मंदिर है, इतना स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति राजनीति में नहीं है। जो खुलेआम ये कहता है कि भारत के संसाधन पे सर्वाधिक हक उन्हीं का है जो भारतीय है, जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है, ना कि पाकिस्तान के लिए धड़कता है, इतना स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। तो ये बुध की महादशा ने इनको इतना स्पष्ट बोलने वाला बनाया। अब 2004 में देखें तो फिर ये 2004 में देखें तो सूर्य का अंतर, बुध में सूर्य का अंतर फिर इनको संसद भवन की ओर प्रस्थान कराता है। 2009 में अगर देखें तो फिर 2009 में स्थिति गुरु की आ जाती है, और गुरु फिर इन्हें लगभग 2,00,000 वोट से जिता के फिर संसद भवन की ओर भेज देते हैं। 2014 में भी यही स्थिति है। 2014 की गृह स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे शनि, 2014 में शनि जो है इनको वहाँ पे भेजते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैसे मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कैसे बने, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के रेस में थे नहीं, अचानक इनका नाम आया। तो गृह स्थिति क्या कहती है, क्यों मुख्यमंत्रियों को बनाया गया, उसके लिए 2-3 चीज़ों का आकलन करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी कुंडली आकलन करेंगे, फिर जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय ग्रह गोचरी स्थिति क्या थी उसका आकलन करेंगे। तो गोचरी स्थिति को देखें तो राहु महाराज उस समय इनके लगन में ही चल रहे थे। राहु कौन है? राहु जो है जितने भी षड्यंत्र हैं उन षड्यंत्रों को काटने वाले हैं, शत्रुओं को हराने वाले हैं, शत्रुहंता योग बनाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के अधीनस्थ काम करने वाले हैं, सूर्य के नक्षत्र में है राहु, हाँ सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य जैसा फल देंगे। तो बड़े लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया, कौन लोगों ने, अब ये आपके गोचरी स्थिति बताएगी। तो राहु सिंह में, केतु कुंभ में, गुरु कन्या में, शनि जो है धनु में, गुरु के घर में शनि, अष्टम भाव में उच्च का शुक्र, कर्म भाव का स्वामी उच्च का गुरु के घर में, साथ में सूर्य। अब इन लोगों के लिए काम किसने किया? इन लोगों के लिए काम उसने किया जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जो थिंक टैंक है, जो गहन विचारधारा रखते हैं, जो गहराइयों में जाकर सोचते हैं, जो अध्यात्म में हैं। इनके सपोर्ट में बहुत से साधु महात्मा आए, और जो भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, सबसे बड़ा संगठन है, वो आया और उसने इनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन उस समय इनके कुंडली में ग्रह स्थिति को देखें तो इनके ग्रह स्थिति में जो दशमेश हैं वो उच्च के होके चल रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति इनके लिए बनी। उसके पश्चात आप देखें संघर्ष का दौर चला, और सोचिए अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो सीए का विरोध कैसा होता, किसान बिल का विरोध कैसा होता। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बताया कि ये शासन कैसे करते हैं, क्यों बताया? अब कुंडली में सूर्य कर्म भाव में बैठा हुआ है, डिग्री पूरी डिग्री लेके मजबूत अवस्था में, लग्न मजबूत, लग्नेश मजबूत, बुध के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, कुचलना भी जानता है, सहलाना भी जानता है, दंड देना भी जानता है। मंगल एकादश भाव में बैठा हुआ है, हाथ पे बैठा हुआ है, हाथ चलाना भी जानता है, लठ बजाना भी जानता है,
गुरु पंचम में बैठा हुआ है, उसकी सप्तम दृष्टि मंगल पे है और नवम दृष्टि खुद के लगन पे है, तो गुरुतापूर्ण कार्य करना भी जानता है, सीधे स्टेटमेंट देना जानता है कि अपराधी या तो जेल चले जाए या तो दुनिया छोड़ दें, यूपी छोड़ दें। और जो यूपी एक समय गुंडा तंत्र का शिकार था, वो अभी गुंडा तंत्र वहां से दम तोड़ दिया, क्योंकि अव्यवस्थाएं कई वर्षों से थी, इसलिए एक पंचवर्षीय में शायद पूरी ना हो पाए, दूर ना हो पाए, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर्म बल से, अपने कर्मठता की वजह से बहुत सी स्थितियों को अनुकूल कर लिया है। नहीं तो जो सीए दिल्ली में जाके हो रहा था वो सीए इलाहाबाद में होता, लखनऊ में होता, जो संगम में माघ स्नान की स्थितियां बनी थी इतनी अच्छे ढंग से, वहाँ पे सीए वाले जाके करते, ना कि हिंदू धर्मावलंबी जाके वहाँ पे पूजा पाठ करते। ये इनकी गृह स्थिति की वजह से है, और वर्तमान में इनकी इन्हीं गृह स्थिति की वजह से ज़्यादातर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमारा भी मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। सीधा से स्टेटमेंट है, अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं, शनि सूर्य के साथ बैठा है बहुत कम डिग्री में, जो भी टकराएगा वो खत्म हो जाएगा, उसका बचना मुश्किल है। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की और कौन कौन से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य जो होता है, अगर आपका लग्न का स्वामी है, दशम में बैठा है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, बुध साथ में है, और सूर्यदेव जो है वो स्वतः चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसका मतलब बड़े लोगों का सपोर्ट इनको मिलेगा। और मीडिया की बात माने तो ये मोदी के हनुमान हैं। जो भी योजना मोदी जी चलाते हैं, सबसे पहले उसको लागू करने वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, मोदी के हनुमान है, अर्थात मोदी की पूरी कृपा इनको मिली हुई है, मोदी का पूरा स्नेह मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है और उसका पूरा पालन करता है। सिंह लगन वाले बढ़िया आर्डर देना जानते हैं और उतना ही अच्छा आर्डर को फॉलो करना जानते हैं, उतना ही अच्छा काम करके देना जानते हैं, इसलिए ये स्थितियाँ बनी हैं कि वो उनके हनुमान हैं। तो हनुमान जी का भविष्य क्या है? आगे जो है मोदी के जो हनुमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, इनका भविष्य 2022 में क्या कहता है 2022। अच्छा, इसके बीच इनकी एक और कुंडली में देखें तो एक और स्थिति का आकलन कर लें। 2020 में इनके पिता आनंद सिंह विष्ट का निधन हो गया। हर पुत्र चाहता है कि पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित रहे, लेकिन कोरोना की विस्फोटात्मक स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ महाराज जी नहीं जा पाए। जनता की सेवा के लिए पिता के अंतिम कर्म में नहीं जा पाए। ग्रह क्या कहते हैं, क्या इनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां थीं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 2020 में सूर्य जो है और राहु जो है कर्म भाव में ही चल रहे हैं। राहु कौन है? राहु शनिवत हैं, कष्टम भाव में बैठे हुए हैं। पिता के जो स्वामी हैं उस समय देखें तो उनकी स्थिति खराब थी, गोचरी स्थिति, और चूंकि शनिवत राहु है तो जब भी शनि राहु दशम भाव में चलेगा, राहु चतुर्थ भाव में चलेगा तो माता पिता को कष्ट देगा। अब एक उम्र के पश्चात तो सभी को जाना ही है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ग्रह स्थिति के, इसलिए ये बिंदु मैंने आपको बताना बेहतर समझा, इसको भी आप कुंडली में लगा सकते हैं। हिंदू वाहिनी की स्थापना भी इन्होंने की, उसको भी आप कुंडली से देख सकते हैं किस ग्रह की वजह से की, तो शुक्र की वजह से हिंदू वाहिनी की स्थापना इन्होंने की, क्योंकि वो शुक्र देखने के लिए तो शुक्र है लेकिन प्रभाव क्या है, राहु में है, इसलिए संगठन बनाया। अब बात करेंगे 2022 में जो यूपी का रण है उसको ये विजय प्राप्त कर पाएंगे, या मायावती जी, अखिलेश जी, प्रियंका गांधी इनकी कुंडलियां इनको रोकेंगी। तो देखिए, अभी मायावती जी, अखिलेश जी की कुंडली, प्रियंका गांधी की कुंडली पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, और 2022 में जब चुनाव हो रहा होगा तत्कालीन गोचरी स्थिति क्या कहती है, इसकी चर्चा करेंगे। तो 2022 में आप मार्च की गोचरी स्थिति देखें, क्योंकि चुनाव फरवरी मार्च में ही होने हैं। पिछली बार 17 मार्च को इन्होंने मुख्यमंत्री पद
की शपथ ली थी, तो आप देखें तो मार्च फरवरी मार्च में ही होने हैं। यद्यपि ग्रह स्थिति देखें तो हो सकता है मार्च अप्रैल भी हो सकता है, मार्च अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन मार्च की ग्रह स्थिति देखें तो राहु जहाँ पे आज है वहीं पे राहु दशम भाव में ही रहेंगे। दशम भाव में राहु अड़चने तो पैदा करेगा, लेकिन दशम में राहु कर्म क्षेत्र का विस्तार कराता है। दशम में राहु कूटनीतिक ढंग से किनको कहाँ घेरना है, किनके लिए कौन सी बिसात बिछानी है, कौन सा वर्ग किस बात से आपके सपोर्ट में आएगा। शुक्र सपोर्ट कर रहा है तो शुक्र संबंधित चीजें क्या उनको प्रदान की जाए, ये सारी चीज की जानकारी राहु इनको बैठ के दे रहा है। इसलिए इस तरह की स्थितियों से ये उबर जाएंगे। केतु इनका अष्टम भाव में है, मंगल के घर में है, शनि जो चलेंगे वो कुंभ में चलेंगे। शनि जो है कुंडली में खस्टेस हैं, मार्केस हैं, छोटी मोटी घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन लग्नेश चूंकि दशम में है इसलिए बड़ी घटनाओं से इनकार किया जा सकता है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे षड्यंत्र इनके लिए किए जा सकते हैं। शनि का लग्न पे सप्तम दृष्टि रखना स्वास्थ्य संबंधी अड़चने और विरोधियों के द्वारा उत्पन्न अड़चनों को बता रहा है। संघर्ष तो रहेगा यहाँ पे, चूंकि इनके कुंडली के अनुसार अभी ये साढ़े साती में भी रहेंगे, मध्य भाग में रहेंगे, कुंभ लगन है तो साढ़े साती इनके ऊपर चल रही है और उस समय मध्य भाग में रहेंगे साढ़े साती पे, तो मानसिक अवसाद रहेगा और बीच बीच में डर भी रहेगा निकल जाने का, समर्थकों से जुदा हो जाने का, ऐसी स्थितियां आएंगी शनि की वजह से। लेकिन सूर्य की स्थिति जो है जनवरी फरवरी मार्च, मकर में कुंभ में मीन में, ठीक है ना, मकर कुंभ मीन यहीं पे सूर्य की स्थिति रहेगी। तो सूर्यदेव अगर कुंभ के साथ हैं, दशम के साथ हैं, तो सारी स्थितियों को अपने अनुकूल कर लेंगे क्योंकि दशम से दशम है और शनि से संबंधित चीज़ों को अस्त कर देंगे, तो शनि का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। अब उसके साथ साथ देखें तो मंगलदेव जो है या तो पंचम में रहेंगे या तो अष्टम में या सप्तम में। अगर मंगलदेव अष्टम में हैं तब तो फिर बल्ले बल्ले हैं कि वाह वाह है, क्योंकि मंगल यहाँ पे निश्चित रूप से शत्रुओं को पानी मांगने तक का अवसर नहीं देगा। उनके शास्त्र तो ये कहता है कि उनके घर से वोट ले लेंगे, उनके परिजन से वोट ले लेंगे। मंगल की उच्चता कष्टम भाव में शत्रुओं के परिजन से भी उनकी उपभोग की सामग्री को दिला देता है। तो यहाँ पे मंगल की जो स्थिति है गोचर में वो यही बता रही है कि यहाँ पे आपको शत्रु से भी वोट मिल जाएंगे। शुक्रदेव की स्थिति जो है वो भी ऐसी है, शुक्रदेव भी पंचम में रहेंगे या दशम का स्वामी त्रिकोण, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में रहेगा, बहुत शुभ है, या फिर वो कष्टम भाव में रहेंगे तो दशम का स्वामी अपने से दशम जाएगा, अच्छा है, या फिर सप्तम भाव में जाएंगे तो वो भी दशम के स्वामी नवम में या फिर दशम के स्वामी दशम में। तो हर तरह से स्थितियां इनकी अनुकूल ही शुक्र और मंगल का गोचर बता रहा है। बुध का जो गोचर है, बुध कहीं भी हो सकता है, बुध मकर में भी हो सकता है और बुध कुंभ में भी हो सकता है। सूर्यदेव जो है सूर्य की भी यही स्थिति रहेगी। अब चुनाव कहाँ होता है, मकर में होता है, कुंभ में होता है, मीन में होता है, लेकिन मकर कुंभ की स्थितियाँ ज़्यादा समझ में आ रही हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पे लग्न के स्वामी होके जब कष्टम में जाएंगे थोड़ा स्वास्थ्य को तो परेशान करेंगे लेकिन शत्रुघ्नता बनाएंगे। लग्न के स्वामी सप्तम में जाएंगे तो शत्रु माने आपको सुख की सामग्रियाँ मिलेंगी, जो जनता का प्यार है, चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम, इसलिए वहाँ से जनता का प्यार भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही 2022 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की कुंडली में ग्रही स्थिति क्या कह रही है, ये तो मैं आपको गोचरी स्थिति की बात किया, ग्रही स्थिति क्या कह रही है। तो 2022 में देखें तो 2022 में शुक्र की महादशा आरंभ हो रही है, किंतु हमारे गणना के अनुसार जो मैंने समय निकाला है, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने जो पूरा इनका जीवन वृत्तांत ज्योतिष की नज़र से देखा उसके बाद हमने एक समय लगाया कि इस समय ही पैदा हुए होंगे। अब इंटरनेट पे आपको इनका जो टाइम पाएंगे वो 12 बजे के करीब पाएंगे, लेकिन 12 बजे करेक्ट है ऐसा नहीं है, आप 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये सारी चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी, आप स्वतः लगा के देखिए।
2020 में शुक्र की महादशा आरंभ हो रही है। शुक्र कुंडली में क्या है, कर्म भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है। बैठे कहाँ भाव है, आय भाव में। एकादश तृतीय भाव का स्वामी एकादश में बैठा है। स्व भुज बल निर्मित योग, कौन सा योग बना रहा है, स्व भुज बल निर्मित योग बना रहा है। शुक्र है कैसे, शुक्र को सारी कूटनीति आती है किसकी, राहु की, राहु के नक्षत्र में है, सारी कूटनीति जानते हैं। राहु कैसा है, कष्टम में शत्रुघ्नता, दशम में चल रहा है, शत्रु को नाश करेगा। वैसे भी दशम का राहु राजनीति में बहुत काम करता है। दशम के राहु ही ने मनमोहन सिंह को चुपके से प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है ना। तो दशम के राहु योगी आदित्यनाथ का भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लगन में राहु था तभी, सिंह लगन में राहु था तभी ये मुख्यमंत्री बने, राहु ने बनाया आप ये भी कह सकते हैं। तो दशम भाव में बैठ चल रहा हुआ राहु निश्चित रूप से इनके मार्गों को करेगा प्रशस्त। कुंडली की बात करें तो कुंडली में शुक्र की महादशा 20 वर्ष के लिए आ रही है। तो क्या 20 वर्ष तक अखंड राजयोग रहेगा योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, या स्थान परिवर्तन होगा, कहीं दिल्ली की ओर तो नहीं निकलेंगे। हालांकि ये चर्चा करेंगे तो चर्चा हो जाएगी लंबी, लेकिन एक चूंकि इसकी बात मैंने की है तो एक पॉइंट आपको जरूर बता के जाना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ महाराज जी की कुंडली देखें तो 2025 में शुक्र के महादशा में सूर्य का अंतर दशा चलेगा। शुक्र दशम भाव के स्वामी है, सूर्य लग्न के स्वामी है, दशम में बैठे हैं, दशम 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 पे दशम बहुत प्लस हो रहा है। तो शुभकामना इनके लिए कि जिसके दशम पे दशम हो रहा है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अभी फिलहाल अगर यूपी के रण की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी का रण जीत रहे हैं। हाँ, क्योंकि शनि प्रभावित हो रहे हैं, शनि कुंडली में प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि का तात्पर्य शुक्र और शनि की जो स्थिति को देखें तो कोई ना कोई जो है महिला इनके सामने आ रही है और वो विगत पंचवर्षीय योजना के अपेक्षा इस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा अच्छा कर रही है। अखिलेश जी की कुंडली हम चर्चा करेंगे, उस देखेंगे वो कितनी सीटों के आसपास जा रहे हैं, लेकिन इनकी कुंडली से देखें तो मायावती शनि लगभग वैसे शुरू वहाँ पे कुछ बढ़त लेती हुई प्रतीत हो रही है, कुछ आगे जा रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी 2022 में यूपी के रण में विजय श्री को प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और भविष्य भी इनका उज्ज्वल है। ऐसे व्यक्ति को ही आगे बढ़ना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, ये लोग हैं तभी चलेगा। ये लोग नहीं है तो हम बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके काम, फिलिस्तीन में जाके काम नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए मंगलमय शुभकामना, यत्र तत्र सर्वत्र विजय श्री को प्राप्त करें। राधे राधे।